नई दिल्ली के आईटीओ चौक स्थित प्यारेलाल भवन में अखंड राजपूताना सेवा संघ की ओर से चौथा अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री एसपी सिंह, अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजपूताना समाज की उपलब्धियां एवं उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। लगातार राजपूत देश हितों में कार्य करते आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंच के माध्यम से समस्त राजपूताना समाज को अधिवक्ता सम्मेलन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ राजपूतों द्वारा दी गई कुर्बानियों को सराहा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संघ द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को मीडिया के सामने बताया। पदाधिकारीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इस सभागार में, इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित सारे स्वजाति बंधुओं, बहनों, आप सबका मैं बहुत सारा आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। और विशेष आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ आरपी सिंह साहब का, संतोष सिंह जी का, कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबसे बातचीत करने का अवसर दिया। और दिल्ली में यह महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, इसमें भारत सरकार के मंत्री शेखावत जी भी मौजूद थे, उनको आप लोगों ने सुना ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्र धर्म और नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन के लिए एक संकल्प लिया गया, तो भविष्य की भारत के मजबूत शक्ति बनाने की जो योजना है उसके विषय में युवा छत्री का जो योगदान, आरपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो एक श्री गणेश किया गया है और एक अच्छी स्वस्थ परंपरा दी गई है भारत के प्रजातांत्रिक राजनीतिक इतिहास में, ये महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित होगी। हम अपने समाज को एकत्रित कर सकें, उनको शिक्षा की तरफ लेकर चल सकें, उनको रोजगार की तरफ लेकर चल सकें, यह इसको आप कार्यक्रम मत कहिए, इसको एक पारिवारिक मिलन कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक मिलन और पारिवारिक मिलन एक जैसा ही है। जब समाज के जहाँ पे भाई बहन बंधु इकट्ठा होते हैं वही पारिवारिक मिलन होता है। इस कार्यक्रम और इस वार्षिक महोत्सव से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देना चाह रहे हैं, हमको अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको शिक्षा में अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको स्वराज में अपनी स्वरोजगार में अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमने अपनी क्षमता को सरकार को महत्व देने की बात की है, क्योंकि हम क्षमता और योग्यता से कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमको कोई रिजर्वेशन और कोई किसी की सहायता या कोई हमारे ऊपर दया दृष्टि करे वो हम मंजूर करेंगे ना, हम उस समाज के लोग हैं। हम अपनी क्षमता को दृढ़ता से रखना चाहते हैं, योग्यता से हम अपना स्थान पाना चाहते हैं। हम अपनी बिरादरी में अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, हाँ एक चीज़ का हम और निवेदन अपने समाज से करना चाहेंगे, हमारे समाज को नशा वृत्ति जो है कहीं ना कहीं हमारी योग्यता से पीछे लेके जा रही है। हम उसके लिए भी अपने समाज से आग्रह किए हैं, अपनी बहनों से आग्रह किए हैं, क्योंकि बहनें ही एक ऐसी हैं जो कि हमको सुरुचि दे सकती हैं, हमारी माताएं ही हैं जो हमको सुरुचि दे सकती हैं, वो दो परिवारों को प्रेजेंट करती हैं और दोनों परिवारों को अगर वो चाहेंगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बैठी ये जनता राजपूताना समाज से है। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों से अखंड राजपूताना सेवा संघ की ओर से 14 अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल होकर समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों से रूबरू हो रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम के बारे में जो बताया उसे आप स्वयं सुनिए। 14 राष्ट्रीय वार्षिकोत्सव था जो दिल्ली के प्यारेलाल भवन आईटीओ में बहुत सफलतापूर्वक और बड़े अति उत्साह के साथ हमारे उच्च पदाधिकारियों की मौजूदगी में, हमारे मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। ये हमारा 4th वार्षिकोत्सव था, जिसके पहले पूर्व में हम 3 वार्षिकोत्सव अपने कर चुके हैं जो मुंबई की धरती में हुए हैं। इसके अलावा हमारा संगठन अखंड राजपूताना ट्रेड हाउस के नाम से भी देश के हमारे समाज के सभी उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत है और हर क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को टच करके पहुंचने के लिए कहां हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके लिए, अपने समाज के लिए कहां हम लोग किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। रातों दिन चौगुना तीव्रता से हमारा संगठन प्रयासरत है, तैयार है। ये हमारा 4th वार्षिकोत्सव जो अति उत्साह से संपन्न हुआ है, इसके बाद
अगला वार्षिकोत्सव इससे और अति उत्साह से होगा और हमारे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारी मुंबई की टीम, हमारे महाराष्ट्र की टीम, हमारी राजस्थान की टीम, उत्तर प्रदेश से आई हुई हमारे संगठन की टीम, साथ में दिल्ली की टीम, सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए एक संगठन के तौर में पिछले विगत 15 दिनों में इस तरीके से काम किया है कि जो सोच से परे है। खंड राजपूताना सेवा संघ समग्र क्षत्रिय राजपूत परिवारों की अखंड एकता, एकजुटता, रोजगारों की अवसर, संप्रभुता, संभ्रांतता, बंधुता के विकास संवर्धन पर बल देती है। समग्र रूप में भारतवर्ष में इसके पुनर्जागरण काल के रूप में काम कर रही है ताकि हम अपनी सामुदायिक विकास के साथ साथ में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति कर सकें और आने वाली अजन्म पीढ़ियों के लिए एक सुंदर, समृद्ध, संरक्षित वातावरण पैदा कर सके ताकि वो एक बेहतर मानवीय जिंदगी जी सके। धन्यवाद। राजपूत अखंड राजपूताना सेवा संघ, आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। होप टू सी मच मोर पब्लिक ऑडियंस इन फ्यूचर टू इन दिल्ली। दिल्ली प्रेसिडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम और इस दिल्ली की धरती पर किया और हम मुंबई वालों को एक मार्गदर्शन भी दिया है कि भाई प्रोग्राम कैसे किया जाता है और हम उनको काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में दिल्ली में इससे भी बड़ा प्रोग्राम अखंड राजपूताना सेवा संघ करेगा। पहले तो अखंड राजपूताना सेवा संघ की बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा अर्थ के बारे में, जो इनकी ट्रेड हाउस बॉडी है जहाँ हम लोग बिजनेस फोरम हम लोग ने खड़ा किया है और हम लोग ने दो प्रोग्राम किए हैं और बहुत ही सक्सेस रहा है। राजपूत कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बिजनेस क्रिएट करना ये उद्देश्य रहा है और कोशिश करेंगे कि अगला प्रोग्राम वो दिल्ली में हो और जो दो प्रोग्राम हुए उससे काफ़ी बड़े लेवल में हो और आप देख ही रहे हैं कि आज का सक्सेस। धन्यवाद। खंड राजपूताना सेवा संघ की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रंजना सेशमणि सिंह। हम दिल्ली में जो भी ऑर्गेनाइज हुआ उससे हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समाज के लिए लगातार हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं और यही हम लोग का है कि हम लोग जितना अच्छा काम कर सके अपने समाज के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे और इससे आगे करेंगे। हम लोग अपने समाज के लिए जितना भी हम लोगों को जी जान लगाना पड़ेगा हम लोग करने के। मुंबई से हमारी टीम आई हुई है अजय सिंह जी को शुभकामनाएं देने के लिए और हमारी संस्था के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अजय सिंह जी के सानिध्य में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। नो डाउट आने वाले दिनों में इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। राजपूताना समाज में जहां पुरुष समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, वहीं महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं हैं। वे भी समाज के लिए हमेशा आगे रहती हैं। इस कार्यक्रम में भी महिलाओं ने शामिल होकर ये सिद्ध कर दिया कि वह किसी से कम नहीं। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।